इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से, जो चुनाव प्रचार न करना युवक को पड़ा भारी। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ आधा दर्जन लोगों ने युवक को पीटा, गले में पहने युवक के सोने की सिकड़ी हुई गायब। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का दबाव बनाया जा रहा था। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 308, 323, 147, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बैरिया कोतवाली के अवध पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना है, जहां चुनाव प्रचार न करना एक युवक को इस कदर भारी पड़ा कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ आधा दर्जन लोगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। मेरा नाम ऋतुराज सिंह है। कैसे चोट लगी है, कहां पे आप इस समय मौजूद हैं? मेरा पोस्टिंग नौशेरा में, मैं इंडियन आर्मी से हूँ। कैसे चोट लगी आपको? चोट रैंडमली विधायक जी, हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं वो जा रहे थे और उनसे कोई मतलब नहीं था, और एक पिकअप वाला हम लोग को साइड मार गया, तो उससे हम बातचीत कर रहे थे ठीक, और उन्होंने ज़बरदस्ती कहना था कि भाई प्रचार करो मेरे को, मेरे साथ घूमो। तो हम उनके साथ घूमने के लिए तो आए नहीं है, तो उन्होंने हम लोग मना कर दिए, तो हम लोग को मारने लगे। पूर्व विधायक जी का आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह विधायक। कहाँ पे ये घटना घटित हुई है? ये है आप बैरिया जोगिंदर जी के मठ के आगे। किस चीज़ से मारा गया है? ये पत्थर से मारा गया है, उसके बाद उनके साथ थे और चाबी से इसको मारे हैं, गाड़ी की चाबी। कम से कम 30-35 लोग थे, तीन गाड़ी से थे। क्या मंशा क्या थी, क्यों वो आप लोगों को मार रहे हैं? ये चुनावी रंजिश है। क्या पूर्व में भी कुछ विवाद था क्या आप लोगों के बीच में? मैं रहता नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं है। पूछे वोट किसको देना है, मैं बोला भाई इनको देना है, तो इस बात को लेकर और हम लोग कोई मतलब भी नहीं था। पागल चैन भी छीन लिया गया, मेरा 1.5 लाख का चैन मैं था, मेरा चैन भी छीन लेकर गए वो लोग। आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया? मैंने पुलिस को सूचना दिया, दे दिया हूँ। क्या पुलिस की कोई कार्रवाई से अभी तक? तो सुबह 10 बजे घटना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ कहाँ चोट लगी है आपको? मेरे को सर में लगी है, थाई पे लगा है, और ये फेस पे लगा हुआ है, मेरे गर्दन पे भी, गले पे पूरा ये निशान पड़ा हुआ है। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आप इस समय कहाँ पे मौजूद हैं? बलिया अस्पताल है, सोनबरसा हॉस्पिटल से आपको रेफर किया गया है। यहाँ डॉक्टर ने क्या कहा है? एक्सरे हुआ है? सीटी स्कैन हुआ है। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? कितने लोग थे आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? हम दो ही लोग थे, हमारा गांव है वहीं, जस्ट 1 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। कितने लोग के नाम से आपने नामजद तहरीर दी? मतलब जो पहचान में उनको, बाकी तो ऐसे कितने सबको नहीं जाता, तो 6-7 समथिंग थे। क्या मारने में पूर्व विधायक जी भी थे? खड़ा होकर बोला मारो।